तो आप जिस विकास की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा वाला है, थोड़ा सा स्पष्ट? शायद विपक्ष को ये दिखाई नहीं देता, मैं ये समझता हूँ। वो गड्ढों भरी सड़कें, उड़ान भरने को रीवा तैयार है, आज हवाई जहाज यहाँ से शुरू हो रहा है, देश विदेश की यात्रा कराएगा, शायद ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। और कांग्रेस को ये भी नहीं दिखाई देता कि जो संजय गांधी कभी मरियल स्थिति में था, वहाँ पेशेंट आता था ये उम्मीद मान के कि हम बचेंगे, पर कभी बचता नहीं था। लेकिन कहने का मतलब तात्पर्य, कांग्रेस कहती है अब बीजेपी करती है, और इसका फर्क ये होता है कि बीजेपी बंपर बोर्ड चुनाव जीत जाती है और कांग्रेस पीछे हो जाता है। आपने काला चश्मा लगाया, आपको विकास दिखाई देता है? हाँ, हम काला चश्मा जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन विकास की जहाँ बात है तो ये तो कहना पड़ेगा कि दिखाई दे रहा है। लेकिन सब अपने अपने जगह में सब विकास करते हैं। आज का जो टाइम है, कल वो टाइम नहीं था, आज सुप्रीम टाइम है, सुपर टाइम है कुल मिलाकर। जो हम कल एक महीने में करते थे, आज पूरे देश में आज जिस प्रकार लोग कह रहे हैं राम लहर है, मैं कहना चाहता हूँ कि राम लहर नहीं, ओबीसी की लहर है। आज जो ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आप देख लीजिए बीजेपी हर राज्य में ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों बना रही है? अगर ओबीसी का मुद्दा नहीं होता आप यहाँ मोहन यादव क्यों बनाते? आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, नहरों का देखें, आप सड़कों का देखें, औद्योगिक क्रांति देखें, कुछ भी देखें, हर तरफ विकास ही तो है। और कैसा विकास चाहते हैं वो? नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा लोकसभा सीट के साथ साथ ही देश के चुनावी माहौल की चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण का चुनाव आज जिस वक्त हम ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त हो रहा है। 26 अप्रैल को रीवा में द्वितीय चरण के दौरान लोकसभा इलेक्शन होने हैं, और रीवा लोकसभा सीट की क्या सियासी बिसात है, किस तरीके से किसके पाले में राजनीति का ऊंट करवट बैठने वाला है, इन सारे मुद्दों की बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे देश से जुड़े कई विभिन्न मुद्दों की, वो बात चाहे जातिगत जनगणना की हो, बात चाहे रीवा और देश के विकास की हो, और बात चाहे गरीबी बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों की हो। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज पर, और हम चर्चा की शुरुआत इसी बात से करना चाहेंगे कि जो ये रीवा है, रीवा सियासत में बिंध का गढ़ माना जाता है, बिंध प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन इस वक्त यहाँ का कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, और यहाँ की जनता विकास को पसंद कर रही है और विकास के साथ चल रही है। विकास को लेकर के भी देश में बड़ा सामंजस्य है। विपक्ष कहता है कि 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, अच्छे दिनों का वादा था, विकास का वादा था, लेकिन विकास अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो आप जिस विकास की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा वाला है, थोड़ा सा स्पष्ट? शायद विपक्ष को ये दिखाई नहीं देता, मैं ये समझता हूँ। वो गड्ढों भरी सड़कें, उड़ान भरने को रीवा तैयार है, आज हवाई जहाज यहाँ से शुरू हो रहा है, देश विदेश की यात्रा कराएगा, शायद ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। और कांग्रेस को ये भी नहीं दिखाई देता कि जो संजय गांधी कभी मरियल स्थिति में था, वहाँ पेशेंट आता था ये उम्मीद मान के कि हम बचेंगे, पर कभी बचता नहीं था। आज सुपर स्पेशलिटी जैसी यहाँ सुविधा है हॉस्पिटल की। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, नहरों का देखें, आप सड़कों का देखें, औद्योगिक क्रांति देखें, कुछ भी देखें, हर तरफ विकास ही तो है। और कैसा विकास चाहते हैं वो? आपने काला चश्मा लगाया, आपको विकास दिखाई देता है? हाँ, हम काला चश्मा जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन विकास की जहाँ बात है तो ये तो कहना पड़ेगा कि दिखाई दे रहा है। लेकिन सब अपने अपने जगह में सब विकास करते हैं। आज का जो टाइम है, कल वो टाइम नहीं था, आज सुप्रीम टाइम है, सुपर टाइम है कुल मिला के। जो हम कल एक महीने में करते थे तो दिख तो रहा है, नकार तो नहीं सकते, है ना? तकनीकी का विशेष योगदान है। अब मैं औद्योगिक क्षेत्र में और आधुनिक क्षेत्र में जी रहे हैं, टेक्निकल क्षेत्र में जी रहे हैं। हाँ, ये चीज़ और है कि जब हम बात विकास की करते हैं तो सड़कें, पानी, हॉस्पिटल्स, ये एक हिस्सा होता है विकास का, लेकिन इसके साथ रोजगार है, गरीबी है, और भी कई सारी भुखमरी है, ये समस्याएं भी होती हैं। तो क्या इन सारे मुद्दों को लेकर के मौजूदा सरकार सफल होती हुई दिखाई देती है? कितना सफल? बिल्कुल पूरी तरीके से मौजूदा सरकार सफल होती दिखाई दे रही है। आज गरीबों के लिए पक्का आवास, राशन की सुविधा, रहने की सुविधा, सारी सुविधाएं गरीबों के लिए कर रही है, और मौजूदा सरकार ही ऐसी सरकार है जो हर तरह से चिंता कर रही है, चाहे वह गरीब का मामला हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार का मामला हो, और चाहे बड़े उद्यम क्रांतियों का मामला हो।
आप ओबीसी महासभा से जुड़े हुए हैं और जब देश के राजनैतिक मुद्दों की बात होती है तो जातिगत जनगणना एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसे विपक्ष और पक्ष दोनों किनारा नहीं कर सकते हैं। विपक्ष कई बार उस पर चुप्पी कई बार खुल करके बोलता है, पक्ष कई बार उस पर चुप्पी साधता है। इसे कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं और कितना महत्वपूर्ण? आज पूरे देश में आज जिस प्रकार लोग कह रहे हैं राम लहर है, मैं कहना चाहता हूं कि राम लहर नहीं, ओबीसी की लहर है। आज जो ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आप देख लीजिए, बीजेपी हर राज्य में ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों बना रही है? अगर ओबीसी का मुद्दा नहीं होता आप यहाँ मोहन यादव क्यों बनाते? तो ये जिस प्रकार ये विपक्ष मुद्दा, खासकर राहुल गांधी, हम लोगों से लगातार बैठक हुई थी, हमने अपने जो मुद्दे खासकर ओबीसी महासभा में, ओबीसी का पदाधिकारी होने के नाते हमने, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में और लगभग कांग्रेस कहाँ पीछे हो रही है? कांग्रेस बात करती है, राहुल गांधी बहुत अच्छा बोलते हैं, ओबीसी जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जो जमीन का सिस्टम है वो नहीं उतार पा रहे हैं। और यही हार उसको पिछले बार हुई थी, आपने देखा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज़्यादा टिकट देती है। इस लोकसभा में इसे देख लीजिए, 5 सीट ओबीसी को दिया कांग्रेस ने दिया और 10 टिकट दी किसने? बीजेपी ने दिया। तो निश्चित ही ओबीसी का फैक्टर उधर जाता है। लेकिन कहने का मतलब तात्पर्य, कांग्रेस कहती है और बीजेपी करती है, और इसका फर्क ये होता है कि बीजेपी बंपर बोर्ड चुनाव जीत जाती है और कांग्रेस पीछे हो जाता है। तो फिर ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी फिर कहीं कहीं नहीं इस बार पीछे हो गए, ओबीसी की बात कहते रहे, लेकिन ये खासकर रीवा का, जो खासकर रीवा कहते हैं मध्य प्रदेश का, जो कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, एक सिंडिकेट पार्टी है। पहली बात, राहुल गांधी को लगा कि यहाँ पार्टी होती है, लोग हाउस चला रहे थे, ये इनके आदमी उनके आदमी, इसी कारण पार्टी फेल होती गई। और अभी भी समय है, अभी कांग्रेस नहीं सुधरी तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में फिर गच्चा खा जाए। क्योंकि हम जहाँ ओबीसी की बात करते हैं, भाई हमारे जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के लोग ओबीसी की हैं, कांग्रेस भी दी है ओबीसी को और बहुजन समाज पार्टी भी दी है, तो हम तो उन्हीं की बात करेंगे। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, एससी अल्पसंख्यक का मैं संगठन चलाता हूँ, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। और जो हमारी बात करेगा, जो ज़्यादा टिकट देगा हमारा, उसका समर्थन रहेगा, सीधी सी बात है। तो हम चाहते हैं कि ओबीसी के मुद्दा हमेशा रहेगा, राम की लहर कोई लहर नहीं है। संवैधानिक जब चर्चा करते हैं तो देश में संविधान को लेकर के भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा संविधान को बदलने, उसके संशोधन जैसी बातें की जाती हैं, विपक्ष उसे बड़ा मुद्दा बनाता है। जनता के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो कितना बड़ा मुद्दा है? वो कुछ नहीं मुद्दा है, वो जो विपक्ष ऐसे करता है कि जो है तो वोट हमको मिल जाए थोड़ा बहुत जातिवाद में, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी उसमें चला जाए तो कुछ माने हम लड़ाई में आ जाए। सांसद वो कहते हैं संविधान को संशोधन की नहीं बदलने की जरूरत है, और वो ऐसे मौके पर कहते हैं जिस दिन संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। मधु मिश्रा हैं।